हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपनी पीस कट कर ली है, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे दो पीस हैं जो चार चार इंच के हैं, ये भी मेरे दो पीस हैं जो चार चार इंच के हैं, और ये भी मेरे चार चार इंच के पीस है फ्रेंड, मगर ये चार हैं, तो चार पीस हैं। ये मेरे 3.5 इंच के पीस हैं जो चार हैं, ये भी 3.5 इंच है फ्रेंड्स जो दो पीस हैं, और ये भी 3.5 इंच है फ्रेंड्स, ये भी दो पीस है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो ये मेरे चार पीस हैं इसको हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये हमने पीस सेट कर लिए फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे, और लाइन लगाने के बाद मैंने आपको सिलना बताई रखा है फ्रेंड्स, हर वीडियो में बताती हूँ आपको। तो मैं लाइन लगा रही हूँ फ्रेंड्स, फिर हम आपको सिलना बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी लाइन लग गई है। अब हमें बीच की लाइन को छोड़कर साइड साइड में सिलना है, और सिलने के बाद हम बीच में से कट करेंगे। तो ऐसे ही हमें ये चार पीस तैयार करने हैं फ्रेंड्स, तो मैं इन चारों पीसों को तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन कंप्लीट हो गई है, मैंने सिल लिया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने बीच की लाइन से इसको कट कर लिया है, और ये हमारे डबल शेड के पीस हो गए हैं फ्रेंड्स। तो हम ऐसे ही इन सारे पीसों को खोल लेते हैं और अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं, तब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिशिंग से ओपन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको 3.5 इंच नापेंगे। तो हमें ये 3.5 इंच का पीस चाहिए, ये वाले, और ये हमारे 3.5 इंच के पहले से ही हुए हैं। तो हमें 3.5 इंच के कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक ऐसा बोर्ड बनाया हुआ है जिससे नापना बहुत आसान हो जाता है। तो ये मेरे 3.5 इंच का है, आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। इसको अब हम इस पीस पे ऐसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने रख लिया, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम निशान लगा लेते हैं, फिर बाद में हम उसको कट करेंगे। तो ये नाप लेने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं इसको इसी तरीके से यूज करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो एक्स्ट्रा था वो साइड में आ गया है। तो इसी तरीके से मैं सारे पीस कट कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है, अब हम इनको बारी बारी सिलेंगे। तो आप चाहे तो इनके चार चार पीस करके सिल सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो आप एक एक लाइन करके सिल सकते हो। तो मैं इनके चार चार पीस करके सिलूँगी फ्रेंड्स। तो मैं अपने ये चार चार पीस अलग कर लेती हूँ। तो ये मेरे चार चार पीस हो गए। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम इसको यहाँ से रख के सिलेंगे, और इसको भी इसी तरीके से सिलेंगे। तो पहले मैं इन दोनों पीसों को सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस पर पलटेंगे, और यहाँ हम पिनअप करेंगे। तो हमारा जो ये कपड़ा है इसको हम इस तरीके से कि एक को इधर कर देंगे तो दूसरे को इधर कर देंगे, या फिर एक को इधर करेंगे दूसरे को इधर कर देंगे, मगर हम दोनों पीस इस तरीके से नहीं लेंगे। तो हम अलग अलग कर लेते हैं इसको, और यहाँ एक पिन लगा के इसको यहाँ से सिल देते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बाकी के भी ऐसे ही सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं आपको ये सारे पीस कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस पर रखेंगे। तो यहाँ से हमको इसे सिलना है फ्रेंड्स, और जो ये हमारा है इसको एक ऊपर और एक नीचे कर लेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ हम पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से कर लिया है, और ये हमने यहाँ बिल्कुल सिलाई पे पिन लगा लिया फ्रेंड्स इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से सिल लेते हैं फ्रेंड्स, और ऐसे ही हम इसको कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से सिल देंगे, पिनअप कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं दोनों पीस कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से,
और जॉइंट से जॉइंट को मिला लेंगे और पिनअप कर लेंगे और हम यहाँ से सिल लेंगे। तो जोड़ मैंने आपको बताई रखा है फ्रेंड्स किस तरीके से करना है, ये आप इस डायरेक्शन में ले लीजिए और ये वाले इस डायरेक्शन में ले लीजिए और पिनअप करके हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और देखिए कितने फिनिशिंग से तैयार हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी डिज़ाइन का यूज बताऊंगी, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स और मेरे इस डिज़ाइन को, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय।